बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते के लिए एक बहुत ही क्विक सा ऑमलेट, जो कि जिसका नाम है कटाकट ऑमलेट। और ये एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप लोग मस्ट ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, उसमें हम लेंगे 4 अदद अंडे, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा हम बोनलेस चिकन लेके उसको लंबाई में काट लेंगे, 3 अदद सब्ज़ मिर्चे लेंगे उसको काट लेंगे, और एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको हम इस तरह गुलाई में काट लेंगे, 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च यूज़ करेंगे, 2 से 3 चुटकी हल्दी की, और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ऑयल को उसमें गर्म करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब लहसुन अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा और उसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। हमारा लंबाई में कटा हुआ चिकन है, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको हम चम्मच की मदद से कट कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन नाज़रीन, अब हमारा चिकन अच्छे से सोते हो चुका है और इसको हमने चम्मच की मदद से ही बारीक पीसीस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और उसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमने लो फ्लेम पे प्याज को अच्छे से नरम कर लिया है 1 मिनट के लिए, और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, धनिया, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही हम इसमें दही ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, जब ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम उसमें अंडे ऐड करेंगे। अब हम 1 मिनट सारी चीज़ें कुक करने के बाद इसमें ये अंडे ऐड कर देंगे। अंडे अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसमें हम सबसे एंड में सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। और अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा कटाकट ऑमलेट बनके रेडी हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको ऑमलेट की एक छोटी सी वेरिएशन इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको नाश्ते में पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।